वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही है, और इसमें हम बात करने वाले हैं आपके पैल्विक एरिया में प्रेगनेंसी टाइम में क्यों दर्द होता है, और अगर दर्द होता है तो इससे आप कैसे रिलीफ पा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में पैल्विक एरिया में दर्द होता है तो इससे आप कैसे रिलीफ पा सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियां होती हैं और बहुत सारे हमारे मन में ख्याल भी आते हैं जो कि बुरे होते हैं। ऐसे में अगर आपको पैल्विक एरिया में पेन हो रहा है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं और बहुत सारी शंकाएं आपको घेर लेती हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पैल्विक एरिया में दर्द क्यों होता है प्रेगनेंसी टाइम में, और इसके होने के क्या क्या कारण हैं, और इससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, और कब ये गंभीर होता है, कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो चलिए वीडियो में हम सबसे पहले हम जानते हैं कि पेल्विक एरिया में दर्द कब होना नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पेल्विक एरिया में पेन की बात करें वो भी प्रेगनेंसी टाइम में, तो ये जब होता है जब आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है। तो इस टाइम पर जो है बहुत सारी महिलाओं को ये समस्या होती है और इसको लेकर वो चिंतित होती हैं, क्योंकि ये टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा मिसकरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में उनके दिमाग में जैसे ही एब्डोमिनल एरिया में दर्द होता है बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आने लगती हैं। तो अब हम जानते हैं कि एब्डोमिनल एरिया में दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं तो फिर नॉर्मल है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये होना नॉर्मल है। इसके साथ में एक आध हल्की फुल्की ऐठन के साथ में आपको यह पेन फील हो सकता है, और इसके होने के कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका इम्प्लांटेशन होना, या फिर आपकी प्रेगनेंसी जब आप कंसीव करते हैं एक फर्टाइल होता है तब भी आपको इस तरह का दर्द जो है फील होता है। इसके अलावा हॉर्मोन्स में चेंज होते हैं, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी अभी अभी कंसीव की है जिसके कारण से हॉर्मोन्स में बदलाव हो रहे होते हैं, इस कारण से भी आपको एब्डोमिनल एरिया में जो है पेन होता है। इसके अलावा कभी कभी आप खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा गैस बनती है या पेट में खिंचाव आता है, जिसके कारण से भी आपको ये पेल्विक एरिया में दर्द फील होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा चल लेते हैं तो भी आपको एब्डोमिनल एरिया में प्रेगनेंसी टाइम में ये दर्द फील होने लगता है। अगर आपको एब्डोमिनल एरिया में पेन हो रहा है तो उसके रीजन आपको पता चल गए, लेकिन अब सवाल आता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि जो आपके एब्डोमिनल एरिया में दर्द हो रहा है वो नॉर्मल है और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, जैसे कि जो आपका दर्द है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो नॉर्मल है पूरी तरीके से, और ये पूरी तरीके से नॉर्मल होता है और ये मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है। दूसरा होता है कि एब्डोमिनल एरिया में आपको पेन के साथ में भारीपन भी लगता है। इसके अलावा आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको दर्द फील हो सकता है, या आपको उठने और बैठने के साथ में भी ये दर्द जो है फील हो सकता है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आपको ये दर्द हो रहा है तो आप इससे निजात कैसे पा सकते हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली जरूरी बात होती है कि अगर आपको एब्डोमिनल एरिया में पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, इसके साथ में कुछ ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना है। घरेलू चीज पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इससे निजात पाने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत सारा पानी पिएंगे। पानी पीने से आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, आपको गैस या ब्लोटिंग की जो समस्या होती है वो नहीं होती, और इससे आपको निजात मिलती है, इससे आपको दर्द कम फील होता है। इसके अलावा आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके कारण से अगर आपको गैस या ब्लोटिंग है तो वो पास हो जाएगी और आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है एक्सरसाइज से, जिससे आपको रिलीफ मिलती है। इसके अलावा आप कुछ हर्बल चाय हैं जो ले सकते हैं जो कि आपके पेन रिलीफ का काम करती हैं, जैसे कि कैमोमाइल टी है, अदरक की चाय जो है आपको इस तरह के दर्द से राहत देती हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा है कि आप आराम करें, अच्छा फाइबर रिच फूड लेना शुरू करें, जैसे कि हरी सब्जियां हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और इसके साथ में आप खीरा, टमाटर,
बीन्स जो हैं आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दर्द से राहत पाने के लिए आप एब्डोमिनल एरिया में हल्की मालिश कर सकते हैं, जिससे कि वहां से ब्लड फ्लो अच्छा होगा और आपको इस तरह के ऐठन वाले दर्द से राहत मिलेगी। इसके अलावा आप हल्की सिकाई भी कर सकते हैं हीटिंग पैड से, तो गर्म सिकाई भी आपको आराम देगी, लेकिन ये याद रखें कि बहुत ज्यादा देर तक आपको नहीं करनी है। हल्की, अगर आपको बहुत ही ज्यादा तेज दर्द है तो ही करें, वरना ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में बहुत तेज गर्म या बहुत देर तक सिकाई करना भी ठीक नहीं है। इसके अलावा आपको डॉक्टर से कब मिलना है, अब इस पे बात करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम है तो छोटी छोटी चीजों पर आपका ध्यान देना जरूरी है, और कई बार मिलते जुलते सिम्टम को इग्नोर करना भी गलत बात है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको पेशाब करते समय बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है तो इसका कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि अगर आपको डिस्चार्ज किसी तरह का हो रहा है या खुजली हो रही है उसमें, या फिर दर्द जो है आपका बढ़ता जा रहा है, रेडनेस हो रही है, तो डॉक्टर से जरूर मिले। इसके अलावा बुखार आ रहा है, कपकपी आ रही है, आपका डिस्चार्ज जो है बढ़ गया है, आपको उल्टी और बेहोशी हो रही है और हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये गंभीर कंडीशंस होती हैं जिनमें कि आपको बिना देरी किए डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, और इनसे अपॉइंटमेंट लेकर असली कारण उनको पता होगा, कुछ टेस्ट करेंगे और वो उस चीज से आपको आराम देंगे और कंडीशन आपकी देखेंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।